सॉफ्ट स्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूजफुल रेसिपी जो है ग्रेवी की रेसिपी। इस ग्रेवी को आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और ये ग्रेवी कम से कम 10 से 15 तरह के डिशेस में काम आ सकती है। इससे आप कोई भी ग्रेवी वाली डिश बना सकते हैं, दाल में यूजफुल है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें क्योंकि ये आपके समय को भी बचाएगी और आपके खाने को और भी ज्यादा टेस्टी बनाएगी। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर आपको ये ग्रेवी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम जल्दी से ये ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक ऐसी ग्रेवी बनाकर तैयार करते हैं जिसे हम 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो टमाटर 500 ग्राम। यहाँ पर मैंने हाइब्रिड टमाटर का यूज़ किया है क्योंकि ये खाने में ज़्यादा खट्टे नहीं होते इसलिए इसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिए मैंने जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अगर आप इसे ग्राम में देखेंगे तो 300 ग्राम के करीब ये प्याज है। एक छोटी सी शिमला मिर्च लिए जिसे बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। अब बात करते हैं खड़े मसाले की, तो यहाँ पर मैंने लिए 4 इलायची, छोटी इलायची, एक तेज पत्ता, दालचीनी की स्टिक है ये छोटी छोटी सी, थोड़ी काली मिर्च के दाने, थोड़ी जावित्री और 3 लौंग का यूज करेंगे हम यहाँ। इसके मसाले में मैंने यहाँ पर लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, इससे कलर अच्छा आएगा, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। और इसके अलावा यहाँ पर लिया है मैंने 50 ग्राम काजू और थोड़े से मगज के बीज, इसे मैंने थोड़े से कुनकुने पानी में भिगो दिया है 10 मिनट पहले। ये बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तो ये ग्रेवी हम बनाएंगे इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें पहले खड़े मसाले ऐड कर देंगे, हमारा तेजपान, इलायची, दालचीनी की 2 छोटी छोटी स्टिक्स, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च के खड़े दाने और जावित्री, इन सबको हम थोड़ा सा इसमें पकने देंगे। हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो जीरा है ना इसको मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया है। फ्लेम गैस का स्लो रखेंगे और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी प्याज, ब्राउन होने तक भूनना है और इसे कंटिन्यू आप इस तरह से चलाते नहीं रहेंगे, इसे बीच बीच में हमें चलाना है, ला देंगे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं चलाते रहेंगे। तो अब हम इसे ब्राउन होने तक पका लेंगे और हमारी अनियन पक रही है तब तक ये जो हमने वाटरमेलन के सीड्स और मगज के बीज और ये जो काजू भिगो कर रखे हैं इसका हम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से हमारे काजू और मगज के बीज का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है पेज पर, ये जो हमने उनका पेस्ट तैयार किया है ना ये हम इसमें ऐड कर देंगे एक बार अच्छी तरह से, और इसे लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से फिर से। और अब इस स्टेज पर हमें यहाँ पर ऐड कर देना है ये हमारे चॉप्ड टमेटोज, इसके साथ ही ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच सॉल्ट ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी पक जाएं। और अब हम इस पर लीड कवर करके हमारे टमेटोज को पका लेंगे अच्छी तरह से। इसकी फ्लेम जो है हम मीडियम टू स्लो रखेंगे और अब इसे 5 मिनट बाद एक बार हम इसे चेक करेंगे और अब हम अगली प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमने मसाले लिए हैं ना सारे, इन सभी को हम पहले क्या करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार और इसे एक तरफ रख देंगे अभी ताकि जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तब तक मसाले अच्छी तरह से पानी में फूल जाएंगे और जब हम इसे तेल में पकाएंगे तो इसका जो फ्रेग्रेंस है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अल्टीमेट आएगा। एक तरफ रख देंगे पेस्ट बनाकर और आप ये देखिए हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल गए हैं। तो ये जो हम ग्रेवी बना रहे हैं ना इससे आप बहुत तरह की मटर पनीर, पालक पनीर या फिर गोभी बटर मसाला, इस तरह की जितनी भी ग्रेवी वाली सब्जियां हैं ना आप इसे सब में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहेगी। ये जो मैं आपसे जो मैं मेरे घर में बना कर रखती हूँ मैं वही ग्रेवी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जो हमने मसाला यहाँ पर पेस्ट बना कर रखा था, अब ये देखिए लगभग 80% तक ये हमारी सारी चीज़ें पक चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यदि आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे आप ग्राइंड कर सकते हैं
और उसके बाद इसे फिर से तेल में आप पका सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, तो मैं आपको यही प्रोसेस बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमारा पेस्ट है, हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें मसाला ऐड किया है, तो हमें मसाला भी पकाना है, तो इसलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अब इसे मसालों को अच्छी तरह से हम पका लेंगे चलाते हुए। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हमारे मसाले पक रहे हैं, ऑयल रिड्यूस हो रहा है, इसमें से ऑयल बाहर आएगा इसका। तो इसी तरह से हमें इसे पकाना है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमने तेज पान डाला था, इसका बहुत अच्छे से फ्लेवर आ चुका है। तो हम इस तरह से ये जो खड़े मसाले हमें दालचीनी वगैरह जो अलग से दिख रही हैं, हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। और अब ये मसाले हमें पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। हमारे मसाले जितनी अच्छी तरह से सीखेंगे, हमारे सब्जियों का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, उभर के आएगा, अच्छी से स्मेल आएगी, बहुत ही अच्छी। तो ये देखिए, इसका ऑयल किस तरह से बाहर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, कलर भी बहुत ही अच्छा है। और अब हमें ना इस स्टेज पर ये जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है काजू का और मगज के बीज का, ये हमें इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, पेस्ट ऐड करने के बाद हमें ये ग्रेवी छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू हमें इसे चलाना है, क्योंकि ये नीचे चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं काजू डालने के बाद इसमें। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसे हिलाकर इसमें फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे फिर से पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, अब 5 मिनट हो चुके हैं हमारी। वाह, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। और जो ऑयल है, मसाला है, इसने ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है अच्छी तरह से। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, तरह से मिक्स कर लेंगे सभी तरफ। तो ये जो ऑयल दिख रहा है ना आपको, ये जो है ऊपर ऊपर, ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी ग्रेवी को। जैसे कि यदि हम थोड़े दिन, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए यदि इसे स्टोर करेंगे, तो ये जो इसका ऑयल है, ये बाहर ऊपर ऊपर जो तरी रहेगी, उससे हमारी ग्रेवी खराब नहीं होगी। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे जिस भी कंटेनर में स्टोर करना चाहें, उसमें भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे एक कांच के बर्तन में निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, हमारी ऑल पर्पस ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिससे आप 15 से 20 तरह की सब्जियां, दाल बना सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।